मार्क्स का किसी भी लैंग्वेज में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर हम किसी सेंटेंस में ना लगाएं तो उसका जो है वो मीनिंग ही चेंज हो जाता है जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है द काऊ सेड द मास्टर इज यूजफुल एनिमल मतलब अगर इसको रीड किया जाए तो इसका मतलब क्या निकला कि काऊ ने कहा कि जो मास्टर है मतलब मालिक है वो एक यूजफुल एनिमल है क्योंकि इस फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो प्रॉपर वे से नहीं लगे हैं इसलिए इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो गया नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है द काऊ सेट द मास्टर इज अजफुल एनिमल मीन्स काउ एक पर्टिकुलर जो एनिमल है उसको इन्वर्टेड कॉमो में लिखा गया है सेट द मास्टर मास्टर ने कहा कि जो काउ है इज अजफुल एनिमल तो काउ जो है उसको इन्वर्टेड कॉमो में रखा गया है और उसकी जो क्वालिटी है उसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है मीन्स ये पता चल रहा है कि काऊ जो है वो एक यूजफुल एनिमल है और ये कौन कह रहा है उसका मास्टर कह रहा है तो आज हम जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे और उनको किस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं तो अब देखते हैं पंक्चुएशन मार्क्स पहले होते क्या है पंक्चुएशन मार्क्स क्या है पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो हमारी राइटिंग को डिवाइड करते हैं सेंटेंसेस में और फ्रेजेस में अगर हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं और उसके बीच में कोई फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ना यूज करें तो हमारी जो राइटिंग है वो उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कोई इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि इसका क्या मीनिंग है अब पंक्चुएशन मार्क्स कितने हैं सबसे पहले हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है जैसे फुल स्टॉप यहां पे इसका साइन है फुल स्टॉप का ये फुल स्टॉप है स्मॉल डॉट नेक्स्ट है कॉमा कॉमा क्या है एक छोटा सा डॉट है उसके नीचे जो है वो टेल लगी होती है छोटी सी नेक्स्ट इज सेमी कॉलन सेमी कॉलन क्या है एक डॉट है और उसके नीचे एक कॉमा लगा है नेक्स्ट इज कॉलन कॉलन क्या है टू स्मॉल डॉट्स नेक्स्ट इज मार्क ऑफ इंटेरोगेसन जिसको आप सभी जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको हिंदी में कहते हैं मार्क ऑफ इंटेरोगेशन नेक्स्ट इज मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन एक्सक्लामेशन मार्क कैसा होता है एक लाइन सी है स्टैंडिंग लाइन और उसके नीचे डॉट लगा है इसको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन अपोस्ट्रॉफी अपोस्ट्रॉफी है ये छोटा सा जो है वो कॉमा की तरह ही होता है बट वर्ड के साथ में हम उसको कॉमा लगा के जब ऐसे लिखते हैं ऊपर जब लगा होता है वर्ड के ऊपर उसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी हाइफन डैश जो है वो लंबा होता है और हाइफन जो स्मॉल ये अब उसका डिफरेंस है कि डैश जो है वो थोड़ा उसका लॉन्ग करके लिखते हैं उसको और हाइफन जो वो स्मॉल होता है इन्वर्टेड कॉमास क्या है ये टू uh, साइन जो है जब स्टार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमास जब स्टार्ट करते हैं तो टू साइन जो ऊपर की तरफ जैसे एक डॉट ऊपर की तरफ टेल निकाल दी फिर डॉट टेल निकाल दी पर जब एंड करते हैं तो डॉट जो है फिर नीचे की तरफ टेल कैपिटल लेटर तो आप सभी को पता है कि कैपिटल लेटर्स क्या है जैसे हमारे अल्फाबेट्स हैं उसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दिए होते हैं तो कैपिटल लेटर वो कैपिटल लेटर्स है फर्स्टली हम देखते हैं कैपिटल लेटर से क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है किस कंडीशन में जो लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाता है फर्स्टली जब कोई हम सेंटेंस जो है वो स्टार्ट करते हैं तो हर सेंटेंस जो स्टार्ट किया जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है फर्स्ट रूल तो ये है कैपिटल लेटर का सेकेंड रूल है कि जब भी हम कोई पोईम लिखते हैं तो हर एक पोइम का फर्स्ट जो लेट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखा जाता है जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि पोईम दी हुई है वट इज दिस लाइफ इन फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड चेयर फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है तो आ, मैंने फर्स्टली आपको बताया कि हर एक जो सेंटेंस है जब स्टा, आ, स्टार्ट किया जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है दूसरा जब कोई हम पोइम लिखते हैं तो पोईम का हर एक पोइम का फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लिखा जाता है सेकंड नेक्स्ट थिंग जो है वो है प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव नाउन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि नाउन क्या है ऑल नेमिंग वर्ड्स जो है वो नाउन होते हैं किसी का भी वस्तु का नेम है किसी भी पर्सन का नेम है किसी भी जगह का नाम जो है वो नाउन है पर उसमें नाउन प्रॉपर कौन सा है तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ जब किसी नाउन का कोई पर्टिकुलर नेम दे रखा है जैसे प्लेस मैंने बोला प्लेस का नेम पर्सन का नेम थिंग का नेम जब कोई जैसे प्लेस दिल्ली या यहाँ पर दिख रहा है दिल्ली तो दिल्ली जो है वो प्लेस है बट प्लेस का नाम दिल्ली जब दे रखा है, है तो इट मीन्स कि प्रॉपर नाउन हो गया कंट्री इंडिया कंट्री है कंट्री का नेम इंडिया है तो वो हो गया प्रॉपर नाउन मदन इज ऑल्सो नाउन बट यहाँ पे नेम दे रखा किसी पर्सन का तो ये हो गया प्रॉपर नाउन नेक्स्ट है एडजेक्टिव जैसे इंडिया में जो आ, लोग रहते हैं उनको इंडियन बोलते हैं तो क्या हो गया उसका प्रॉपर एडजेक्टिव रशिया में रहने वाले को रशियन बोलते हैं और फ्रांस में रहने वाले को फ्रेंच बोलते हैं तो ये हो गए प्रॉपर एडजेक्टिव तो आ, यहाँ पे प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है नेक्स्ट है है जब भी हम कोई गॉड गॉड का जो जो नेम लिखते हैं मींस नाउन और God के लिए यूज किए जाते हैं जो भी नाउन और प्रनाउन गॉड के लिए यूज किए जाते हैं आपने ध्यान रखना है इस बात का नाउन गॉड जब नाउन है और प्रनाउन क्या है गॉड का यहाँ पे हिज तो गॉड का जो जी लिखा है वो कैपिटल लिखा और जो प्रनाउन है हिज उसका एच कैपिटल है क्योंकि रूल बताता है कि जो भी गॉड के लिए नाउन और प्रनाउन यूज़ होंगे वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा नेक्स्ट जब हम कोई किसी का नेम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में इनिशियल फॉर्म में लिखते हैं जैसे कंप्लीट नेम ना लिख के जैसे आपने लिखा ओ, किसी का नेम है जैसे आ, एस सुदर्शन दास शर्मा तो आपने सुदर्शन दास को पूरा ना लिख के उसको इनिशियल फॉर्म में लिखा मतलब सुदर्शन का एस लिख दिया और दास का डी लिख दिया तो उसको बोलते हैं इनिशियल तो जब हमने किसी के नेम को लिखना है इनिशियल फॉर्म में तो वो भी जो है वो कैपिटल लेटर, जा, लेटर में लिखे जाते हैं नेक्स्ट जो भी हमारी एब्रोटेड फॉर्म्स हैं जैसे एम एल ए ये जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं नेक्स्ट रूल है कि जब भी किसी स्टोरी का हेडिंग लिखा जाता है या किसी बुक का टाइटल लिखा जाता है या किसी एसे का कोई हेडिंग दिया जाता है उसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखे लिखते हैं जैसे द ग्रिडी डॉग द होली गीता वैली ऑफ न्यूज़ नेक्स्ट किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम लिखते हैं या किसी हाई रैंक को लिखते हैं किसी पार्टी का नेम लिखते हैं या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसका नेम लिखते हैं रिवर्स का नेम लिखते हैं या माउंटेन का नेम लिखते हैं कोई वो भी कैपिटल लेटर में लिख, लिखते हैं जैसे न्यूज़पेपर पेपर का नेम है उसको भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे डेज नेम मंथ नेम लैंग्वेज के जो नेम है वो भी कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं सब्जेक्ट्स के नेम हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं फेस्टिवल्स के नेम हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं जैसे इवेंट मैंने बताया हिस्टोरिकल इवेंट जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार ये हिस्टोरिकल इवेंट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हिस्टोरिकल इवेंट है तो ये जो इवेंट्स है मैंने आपको बोला फर, ये कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर में ये इनकी स्टार्टिंग की है नेक्स्ट कोई हम रैंक्स लिखते हैं हाई रैंक्स जैसे सब डिविजनल ऑफिसर तो ये स्मॉल इनकी स्टार्टिंग जो वर्ड की सब का मैं जो स्टार्टिंग किया उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है वैसे ही डिविजनल जो है उसका डी जो है कैपिटल है ऑफिसर में वो जो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेम है वो भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं उनको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं द रेड फोर्ट द ताजमहल इनको भी हम जो इनका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखते हैं रिवर्स uh, नेम है माउंटेन्स नेम है uh, uh, आगे न्यूज uh, पेपर्स के नेम है जैसे द ट्रिब्यून पंजाब केसरी डेज नेम हो गए मंडे दिसंबर हिंदी इंग्लिश ये आपके लैंग्वेज हैं फ्रेंच उर्दू ये लैंग्वेज हैं सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स बायोलॉजी हिंदी ये आपके सब्जेक्ट्स नेम है फेस्टिवल्स नेम जैसे दिवाली होली क्रिसमस ये सारे जो हैं ये फेस्टिवल नेम है और इनमें जो मैंने आपको बातें बताई ये सारे जो हैं कैपिटल लेटर इनको लिखा जाता है यूज ऑफ फुल स्टॉप नेक्स्ट आपका पंक्चुएशन मार्क है यूज ऑफ फुल स्टॉप फुल स्टॉप भी जब भी लिखा जाता है वो हर एक सिंपल सेंटेंस के एंड में जो है उसको लगाया जाता है कोई भी सिंपल सेंटेंस जब भी एंड होता है उसका जब हम उसको फिनिश uh, करते हैं तो उसके एंड में जो है वो फुल uh, स्टॉप लगाते हैं स्टार्टिंग जो है वो कैपिटल लेटर से होती है और एंडिंग जो है वो फुल स्टॉप से होती है नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस जब हम किसी से रिक्वेस्ट uh, करते हैं प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर गो 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 फ्रॉम हियर जब भी किसी को हम कमांड देते हैं किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो उन सेंटेंसेस को बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस तो मैंने बताया सिंपल सेंटेंस में और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उनके एंड में भी जो है वो फुल स्टॉप हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट मार्क इज कॉमा कॉमा कहाँ यूज करते हैं जब हम कोई दो वर्ड किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक sentence, जो वर्ड हैं एक ही सेंटेंस में जब उनको हम अलग अलग जो है वो लिखते हैं उस कंडीशन में भी हम जो है वो कॉमा यूज करते हैं या फिर एक ही सेंटेंस में पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक रिया कोमल पारुल आर बेस्ट फ्रेंड अगर यहाँ पे कॉमा ना लगाया हो तो हम इसको सोच सकते हैं कि एक ही वर्ड है अगर पर रिया कोमल और पारुल अलग अलग नेम है तो इनको अलग लिखने के लिए हमने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया है और अगर जब हम बोलते हैं कि किसी सेंटेंस को रीड करते हैं तो कॉमा देख के हम उसमें जो उसको प्रोनाउंस करते हैं जैसे रिया कोमल पारुल आर बेस्ट फ्रेंड्स तो जब बोलने का तरीका है तो कॉमा और ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये हमें बताते हैं कि इस सेंटेंस को इस तरह से प्रनाउंस करना ऑल पीपल रिच एंड पोअर हाई एंड लो यंग एंड ओल्ड रिस्पेक्टेड गांधी जी यानी कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ पीपल्स हैं इस सेंटेंस में तो उनकी जो जैसे दिया है यहाँ पे क्वालिटी है उनको अलग अलग बताने के लिए सेंटेंस के बीच में जो कॉमा यूज की है अब नेक्स्ट जो है वो कॉमा कहाँ यूज करते है? जब कोई सेंटेंस जिसमें इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच पहले तो ये पता होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच कौन सी है इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी है डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है जब किसी ने कोई बात बोली है उसकी बात को एज इट इज लिखा जाए या बोला जाए उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच जिस बोली हुई बात को अपने शब्दों में लिखना दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच पर यहाँ पे है शी सेड टू मी इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच कौन जो बात बता रहा है

ये ये बात किसने कही तो रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट स्पीच के लिए डायरेक्ट स्पीच यानी जिसने जो बात बोली उस बा, उसकी बात को एज इट इज बोला जाए या लिखा जाए उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच तो रिपोर्टेड स्पीच से डायरेक्ट स्पीच को अलग करने के लिए भी कॉमा यूज करते हैं नेक्स्ट है कॉमा का कहाँ यूज करते हैं और जैसे यस yes, किसी यस नो वेल या किसी से परमिशन लेनी है आपने वहां पर भी हम कॉमा यूज करते हैं जैसे यस yes, She has stolen my pen. मतलब थोड़ा सा पॉज दिया कॉमा का असली जो यूज है वो थोड़ा सा पॉज के लिए यूज किया जाता है कॉमा यस शी हैज स्टॉलन माई पेन हाँ उसने मेरा पेन चुरा लिया है नो ही हैज़ नेवर हेल्प ऑन बॉडी नहीं उसने किसी की मदद नहीं की है वेल आई नॉट गिव माई डिसीजन नाउ मतलब ठीक है मैं अपना डिसीजन अभी नहीं दे सकती तो मतलब कि दे के कोई बात कही जा रही है रुक कर उसके लिए हम कॉमा यूज करते हैं मे आई हेल्प यू सर मैडम कॉमा और कहा यूज करते हैं जब हम किसी सेंटेंस या वर्ड को कोई जोर देके किसी बात को बताते हैं किसी एक ही सेंटेंस में जैसे कोई दो बातें हम बता रहे हैं तो बात पे एम्फोसिस करने के लिए जोर देने के लिए भी किसी सेंटेंस को अलग करते हैं तो वहां पे कॉमा यूज करते हैं जैसे इफ़ यू विल नॉट वॉक फास्ट यदि तुम जल्दी से नहीं चलोगे यू विल मिस योर बस तुम जल्दी से नहीं चलोगे तो तुम्हारी बस जो मिस हो जाएगी तुम अपनी बस को मिस कर दोगे इफ यू विल नॉट वॉक फास्ट यू विल मिस योर बस तो यहाँ पे पॉज देके अगला सेंटेंस जब बोल रहे हैं जोर देके जब बोल रहे हैं कि तुम जल्दी नहीं चलोगे तो तुम अपनी बस को मिस कर दोगे आई वेंट टू अम्बाला वेयर आई स्टेड फॉर फोर डेज मैं अम्बाला गई जहां पे मैं चार दिन ठहरी यानी कि पॉज दिया उसके बाद अगली बात बोली मैंने नेक्स्ट है कॉमा और कहां यूज करते हैं जब हम कोई ईयर से डेट को अलग करते हैं दूसरा कॉमा यूज करते हैं जब हम एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस में कोई स्ट्रीट नंबर दिया है या हाउस नंबर दिया है तो उसको अलग करने के लिए हम जो है वो कॉमा यूज करते हैं जैसे यहां पे लिखा है सेंटेंस इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन जनवरी ट्वेंटी सिक्स तो जो मंथ लिखा उसको ईयर से अलग करना था इसलिए हमें यहाँ पे कॉमा यूज करना पड़ा तो एक रूल ये है कि डेट जो है या मंथ जो नेम है डेट के साथ उसको ईयर से जब अलग करते हैं तो उसमें भी हम कॉमा यूज करते हैं दूसरा बताएं है कि एड्रेस में जब हम हाउस नंबर और जो है वो स्ट्रीट नंबर को अलग करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है मुकेश नगर पर ये 79 जो वो हाउस नंबर है तो मुकेश नगर में 79 नंबर जो वो हाउस नंबर है शहादरा थर्टी रमेश नगर तो यहां पे ये दिया हुआ है हाउस नंबर तो जो सिटी या जो प्लेस है वहां पे आपका हाउस नंबर मेंशन किया गया तो इस चीज को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं नेक्स्ट है कॉमा यूज कहाँ करते हैं माय जैसे आप लिखते हैं कोई सेल्यूटेशन लिखते हैं किसी में या yes, कोई सब्सक्रिप्शन देते हैं मीन्स कि जब कोई आप इनफॉर्मल uh, लेटर जो है जो लिखते हैं उसके ऊपर लिखते हैं माई डियर अंकल कॉमा फिर आप आगे आप डिस्क्रिप्शन देते हैं लास्ट में आप देते हैं सेल्यूटेशन योर्स लविंगली योर्स सिंसियरली तो इनके एंड में भी जो है वो कॉमा हम यूज करते हैं नेक्स्ट इज यूज ऑफ सेमी कॉलन कॉमा सेमी कॉलन और कॉलन इनके रूल जो हैं वो कॉमा की ही तरह हैं मीन्स की थोड़ा सा रुकने के लिए पॉज देने के लिए हम जो है वो इनको यूज करते हैं वी यूज सेमिकॉलन फॉर लिटल विथ पॉज जैसे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट लो मार्क्स मेहनत करो नहीं तो तुम्हारे मार्क्स जो वो कम आएंगे आई वेंट टू हिज हाउस बट हिड एंड वेलकम मी मैं उसके घर गया परंतु उसने मेरा वेलकम नहीं किया सेम लाइक कॉमा बट कॉमा से भी थोड़ा सा और मतलब uh, लिटल पॉज के लिए इसको यूज किया था मतलब कॉमा के लिए जितना पॉज देते हैं उससे भी कम पॉज के लिए जो है हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं शी केम लेट देअर फोर शी वॉज पनिस्ड वो लेट आई इसलिए उस उसको पनिशमेंट मिली नेक्स्ट है द यूज ऑफ कॉलन कॉलन मैंने आपको बताया कॉलन कॉमा और सेमी कॉलन इनका जो है वो पर्पज जो है वो सेम है अब हम देखते हैं कॉलन जो है वो क्यों यूज किया जाता है टू स्टार्ट कोटेशन जब भी हम कोई कोटेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं या टू डिफरेंट जो है स्टेटमेंट्स उनको लिखते हैं उस उस कंडीशन में जो हम ये सेमी कॉलन जो है वो यूज करते हैं <coughs> गीता सेज अब टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं गीता सेज गीता जो हमारा ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ है पवित्र ग्रंथ हिंदुओं का द गीता सेज एक्शन इज दाई ड्यूटी फ्रूट इज ऑफ नाई कंसर्न मतलब आपके हाथ में जो है वो एक्शन करना है आप एक्शन करना जो आपकी ड्यूटी है फ्रूट इज नन ऑफ दाई कंसर्न उसके फल जो हैं वो तुम्हारे हाथ में नहीं है कि आप मेहनत करो और भगवान बोलते हैं फल मैं देता हूँ तो दो जो स्टेटमेंट्स हैं कि गीता ने क्या कहा है उस उस चीज को बताने के लिए अगली स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज़ उस बात को बताने के लिए जो है वो यहाँ पे जैसे आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के बाद जो है हम कॉमा लगाते हैं क्योंकि आगे जो है वो डायरेक्ट स्पीच की बात लिखनी है इसीलिए जो गीता में एज इट इज लिखा गया है, उस बात को यहाँ पे द, बताया है किसमें ये सेमी कॉलन में मैन परपोजेज गॉड डिस्पोज़ेस तो टू स्टेटमेंट अलग अलग स्टेटमेंट हैं उनके अंदर भी ये पंक्चुएशन मार्क्स जो वो यूज किया जाता है द फोर मेंबर्स आर नरेश मुकुल मनोज एंड सुनील यानी कि अन्र, एनरोल यहाँ पे जो एक लिस्ट बताई जा रही है किसकी बच्चों की नरेश मुकुल मनोज एंड सुनील की फोर मेंबर्स हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे फोर मेंबर्स हैं उसमें कौन कौन है नरेश मुकुल मनोज एंड सुनील इस कंडीशन में भी यहाँ पे ये यह जो फंक्चुएशन मार्क्स यूज किए जाते हैं नेक्स्ट है यूज ऑफ इंटेरोगेशन तो आपको इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह जब भी कोई आप कोई प्रश्न लिखते हैं वहाँ उसके एंड में जो है इस, इस आ, मार्क का यूज किया जाता है इसको इंटेरोगेशन मार्क बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जब किसी से लिखते हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन उस कंडीशन में ये जो मार्क है वो लगाया जाता है। होमवर्क you क्या तुमने अपना काम कर लिया वट आर यू डूइंग डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए इसके एंड में जो है वो क्वेश्चन मार्क है बट एक चीज जो है वो ध्यान रखने वाली है कई बार आप सेंटेंस जैसे रीड करते हैं वाई वट यहां से ये जो क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है तो कई जगह जैसे लिखा होता है वट वाई पर उसके एंड में जो है वो फुल स्टॉप दिया होता है जैसे यहां पे आपकी स्क्रीन पे एक सेंटेंस है शी मी आई टीजिंग हर उसने मुझे पूछा कि मैं उसको तंग क्यों कर रही हूं ठीक है पर यहाँ पे क्यों है पर क्वेश्चन कौन सा है इनडायरेक्ट है तो रूल ये बताता है कि क्वेश्चन जब डायरेक्ट होगा उसके एंड में जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा उसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा क्योंकि यहां पे इनडायरेक्ट पूछ रही है वो she asked me, उसने मुझे पूछा कि वो मुझे तंग क्यों कर रही है तो उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा में कभी भी है। है, क्वेश्चन है, है उसके नीचे डाउट है वी यूज मार्क ऑफ एक्सप्लामेशन टू एक्सप्रेस सडन इमोशन जब भी कोई सडन इमोशंस हो चाहे वो खुशी की हो चाहे वो कोई दुख की हो चाहे कोई हैरानी वाली हो सरप्राइज वाली कोई फीलिंग हो सडन हो उसके सेंटेंस के एंड में या बीच में जो है वो हम साइन ऑफ एक्सप्लेमेशन यूज करते हैं वी आल्सो यूज साइन ऑफ एक्सप्लेमेशन इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जब भी कोई ऑप्टेटिव मतलब जब कोई प्रे करते हैं किसी के लिए विश करते हैं उन सेंटेंसेस उन को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जैसे हाउ क्यूट द बेबी इज हाउ क्यूट द बेबी इज मीन्स सडन मुझे हैरानी सी हो रही है सरप्राइज ऐसे फील कर रही हूँ मैं हाउ क्यूट द बेबीज तो मतलब हैरानी के साथ जब मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ इट मीन्स कि ये जो है वो सेंटेंस जो है जिसके एंड में जो है वो साइन ऑफ एक्सप्लानेशन आएगा वट वट अ फन मतलब हैरानी सी कितनी वट फन कितनी मतलब अच्छी बात है तो यहाँ पे भी जो है वो साइन ऑफ एक्सप्लानीशन यूज़ किया जैसे कोई ऑप्टेटिव uh, सेंटेंसेज uh, जैसे अभी आपको uh, इसमें बताया मैंने पीछे कि जब किसी के लिए विश करते हैं हम मे गॉड ब्लेस यू मे लिव लॉन्ग तो ऐसे वाले सेंटेंसेस के एंड में भी जो है वो हम साइन ऑफ एक्सप्लामेशन यूज करेंगे दो बातें आपने याद रखनी है एक तो सडन इमोशन जब आपके आप किसी को के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं आप आ, और नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस जब आप किसी के लिए विश कर रहे हैं प्रे कर लिए कर रहे हैं तो उन सेंटें के एंड में जो साइन ऑफ आता है जैसे जैसे पे दिया हाउ क्यूट द बेबी इज अ फन आह बड़े हैरानी वाली बात हो दुख की बात हो एलास, हुर्रा, जब कोई आ, आ, कोई खुशी की बात हो ब्रेबो किसी को आप एनकरेज कर रहे हैं तो उन कंडीशन में भी आप ये साइन ऑफ एक्सप्लानशन यूज करेंगे मे यू लिव लॉन्ग जैसे मैंने बोला कि विश या प्रे के लिए कोई अब सेंटेंस फीलिंग ऐसी है आपके माइंड में उस कंडीशन में end में जो है वो है है वो लगता कि कि हे भगवान गरीबों के ऊपर भी तुम्हारे दिल में कोई दया है लूसीफर लूसीफर द एनमी इज एट द गेट अब ये डर के मारे कुछ फीलिंग सडन इमोशन जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं गेट किसी को बता रहा है कि लूसीफर एनिमी जो गेट पे मतलब फरफुल जो है इमोशन है द यूज ऑफ अपोस्ट्रॉपी अपोस्ट्रॉपिक का मतलब है मतलब किसी को पोजिशन बताना जैसे मेरी ये चीज है जैसे ये कोई किसी जैसे यहां पे लिखा है अमित बुक अमित की बुक माई मदर्स हाउस कि ये घर जो है वो मेरी मदर का है ये बुक जो है वो अमित की है तो उसके पोजिशन को बताने के लिए अधिकार को बताने के लिए यहाँ पे अमित के साथ ये अपोस्ट्रॉपी लगा के एस लगाया है यूज ए पोस्ट्रॉफी कब लगाते हैं अपोस्ट्रॉफी को दूसरी चीज़ एक तो बताया कि पोजिशन के लिए लगाते हैं दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को जो है हम जब लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को जैसे डोंट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डोंट वुड नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि छोटे उसमें लिखना है तो वुडंट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वोंट जैसे कैनोट कांट तो यहां पे अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है तो टू कंडीशन में बताया आपको कि एक तो जब आपको पोजिशन बताते हैं दूसरा कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म को जब लिखते हैं उस कंडीशन में भी हम अप्रॉफी यूज करते हैं नेक्स्ट इज हाइफन हाइफन मैंने आपको पहले आ, आ, बताया था कि डैश और हाइफन में डिफरेंस ये है जब आप डैश जब हम टाइप करते हैं तो डैश के आगे और पीछे जो है वो स्पेस देते हैं बट इन केस ऑफ हाइफन हम उसके आगे और पीछे जो है स्पेस नहीं देते हैं उसको जोड़कर लिखते हैं जोड़कर उसको टाइप किया जाता है मतलब कि स्पेस नहीं दिया जाता है वी यूज हाइफन टू ज्वाइन कंपाउंड वर्ड्स हम हाइफन कब लगाते हैं जब कोई दो सेंटेंस जो हैं वो अलग अलग दो सेंटेंस है उनको हम इकट्ठा करके लिखते हैं जैसे लैंड लॉर्ड सब डिविजनल ब्रदर इन लॉ इस कंडीशन में भी जो कंपाउंड मतलब अलग अलग दो, दो सेंटेंसेस हैं पर उनका मीनिंग जो है वो इकट्ठे करके ही उसको हम लिखेंगे तो इस कंडीशन में अभी जो हाइफन जो है वो यूज किया जाता है एज ए परफिक्स सब इंस्पेक्टर वाइस प्रेजिडेंट वर्ड है और हाइफन जो देखे उसके आगे जो वर्ड लिखा है दैट इज प्रोफिक्स नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क ये जो मार्क हैं इनको इन्वर्ट कामर्स भी बोलते हैं और कोटेशन मार्क भी बोलते हैं कोटेशन मार्क मीन्स किसी की बोली हुई बात को जब हम लिखते हैं उसको बोलते हैं कोटेशन तो कोटेशन को बताने के लिए कोटेशन मार्क का यूज़ किया जाता है बी यूज इन्वर्ट कॉमर्स टू रिपीट स्पीकर डायरेक्ट स्पीच यानी कि जिसने बात की है उसकी बोली हुई बात को डायरेक्ट लिखने के लिए हम जो है वो इन्वर्टेड uh, कॉमर को यूज़ करते हैं जैसे शी सेड मी उसने मुझे कहा आई शेल राइज एन अलार्म कि मैं एक लार्म जो है वो रखूंगी तो उसने जो बात कही है उसकी बात को हमने यहाँ पे लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा हमें जो है वो लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये बात जो है एज इट इज किसी ने कही है टेक बैक योर ड्रेडफुल गिफ्ट अब सेड राम राम ने कहा कि अपने राम ने क्या कहा टेक बैक योर ड्रेडफुल गिफ्ट तो राम ने जो बात बोली है उसकी बात को एज इट इज बताना है तो उसको हमें इनवर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा नेक्स्ट है कई बार हम क्या करते हैं कोई सेंटेंस में किसी बुक का नेम है या मैगजीन का नेम है या कोई शिप का नेम है तो उसको जब हम लिखते हैं तो उनको भी हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे आई हैव रेड नेहरूज डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब मैंने पढ़ी है किसकी नेहरू की बुक जिसका नाम किया डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो नेहरू की बुक जो है उसका नाम बताने के लिए यहाँ पे उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा कि नेहरू की जो बुक है वो कौन है डिस्कवरिंग ऑफ इंडिया नेक्स्ट है पोइम का नाम है नेटिव लैंड तो कोई आ, किसी पोइम का नेम है क्या पहले ही बताया आपको कि नेम ऑफ कोई हेडिंग है या कुछ है उसको जो किसी आ, ऐसे का हेडिंग है किसी आपका पोइम का नेम है बुक का नेम है कोई न्यूज़पेपर का नेम है किसी सेंटेंस में आप उसको बताते हैं तो उसको भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमो में लिख सकते हैं तो ये थे पंक्चुएशन मार्क्स जिनके बारे में हमने आज पढ़ा तो आप आपने पढ़ा कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है कॉमा कहाँ यूज होता है इन्वर्टेड कॉमास कहाँ यूज होते हैं तो ये सारे जो हैं वो इन्वर्ट जो आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये आएंगे सिर्फ अभ्यास के द्वारा आप बार बार इनका अभ्यास करें इनको बार बार लिखें बार बार इनको पढ़ें इन्हीं पंक्चुएशन मार्क्स के बेस पे जो हम कोई सेंटेंस रीड करते हैं तो उसमें जो हमारे आ, आ, जो प्रोनाउंस करती व जो इंटोनेशन हमारी वॉइस में होती है इन के ऊपर ही डिपेंड करती है तो थैंक्स